हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कशन करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड की, जिसमें फंक्शन ऑफ पी क्यू एक्स वाई ये चारों चीजें दी गई होंगी। लेकिन मैं उससे पहले अपने प्रीवियस वीडियो में कुछ थोड़ा सा होमवर्क मैंने आपको दिया था, जिसमें एक क्वेश्चन था जेड स्क्वायर पी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपसे बोला भी था अगर आपको आप नहीं कर सकते उसको तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और मैं उस क्वेश्चन को करा भी दूंगा। तो जिस ये पहला क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम मैं आपका वेस्ट नहीं करूंगा। तो जो क्वेश्चन था आपका जेड स्क्वायर पी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन, हमारा जो प्रीवियस वीडियो है आप देखेंगे लेक्चर नंबर 9, जिसमें हमने इस सारी चीजें डिस्कशन की थी। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, जिसमें पी क्यू जेड सिंपल ये तीन टर्म दे रखी है, इसमें कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म फंक्शन ऑफ पी क्यू जेड इज इक्वल टू जीरो। तो लेट अस सपोज दैट जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स बी ए कंप्लीट सॉल्यूशन वेयर कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स प्लस ए बाई एंड ही इज द आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। ये हमारे पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म का प्रोसीजर था, जहां पर हम स्मॉल पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू डी जेड ओवर ऑफ डी एक्स रखी थी हमने, और ए इंटू डी जेड ओवर ऑफ डी एक्स। तो इसको समझने के लिए आप चाहें तो अपना हमारा प्रीवियस जो वीडियो है आप देख सकते हैं। ये दोनों की वैल्यू को उठा करके हमने कहाँ रखा था, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन थी वहां पुट कर दिया, पी और क्यू की वैल्यू पुट कर दी। आप यहाँ से देख सकते हैं डी जेड ओवर ऑफ डी एक्स का होल स्क्वायर जो कि कॉमन आया था, सो दिस विल बी सिंप्लीफाई। तो वेरिएबल सेपरेशन हमने किया था, जेड के पास जेड ले गए थे, एक्स के पास एक्स, देन इंटीग्रल। इंटीग्रल बहुत आसान था, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई इंटीग्रल में। जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आपने टी अज्यूम कर लिया होगा, टी स्क्वायर या टी ले सकते हो, दोनों ले सकते हैं आप। जेड डी जेड इज इक्वल टू टी 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 देन पुट द वैल्यू ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हियर बी सिंप्लीफाइड दैट, सो इंटीग्रल विल बी टी क्यू अपॉन 3। सो पुट द वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हियर दैट इज द 3/2। सो एंड बट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स प्लस ए वाई। तो आप देख रहे हैं आसानी से, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। तो आंसर था जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर ऑफ होल क्यूब इज इक्वल टू 9 टाइम्स एक्स प्लस ए वाई प्लस बी। क्लियर? तो ये क्वेश्चन था, हमने आपको घर के लिए भी दिया था। एक और दूसरा क्वेश्चन था जेड स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू। थोड़ा सा हमने इसमें चेंज किया कि जो 1 था हमने इसको इधर ले गए मल्टीप्लाई करके, सो दिस विल बी जेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये थोड़ा सा चेंज किया, इससे क्वेश्चन काफी आसान हो गया। सो लेट अस सपोज दैट जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए कंप्लीट सॉल्यूशन वेयर कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स प्लस ए वाई वेयर ए इज द आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। सो सिंपल वही प्रोसीजर है, आप आसानी से देख सकते हैं हमारा पिछला वीडियो, जहां पर हमने स्मॉल पी की वैल्यू डी जेड ओवर डी एक्स रखी थी कैपिटल एक्स, एंड क्यू की वैल्यू हमने रखी थी ए इंटू डी जेड ओवर ऑफ डी एक्स वेयर कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स प्लस ए वाई, है ना। तो यहाँ से वैल्यू हमने निकाली थी डेल एक्स अपॉन स्मॉल एक्स इज इक्वल टू 1, पार्शियल डिफरेंशियल किया था, और डेल एक्स अपॉन स्मॉल वाई स्मॉल ए वैल्यू आसानी से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पुट करते, डी जेड ओवर ऑफ डी एक्स का होल स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया था, तो आसानी से इंटीग्रल हो सकता था, है ना। आप वेरिएबल सेपरेशन कर सकते हो, जेड के पास जेड तो और एक्स के पास एक्स पहुंचा दिया था हमने, ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को अपने टी स्क्वायर ले लोगे तो माइनस टू जेड डी जेड माइनस टू जेड डी जेड टू विल बी कैंसिल, सो हियर जेड डी जेड इज इक्वल टू माइनस टी डी टी, सो हियर पुट द वैल्यू ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू माइनस टी डी टी, टी विल बी कैंसिल, सो आंसर ओनली सिंपल डी टी द इंटीग्रल ऑफ द टी। तो व्हाट इज द टी टी द अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, है ना। सो पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स इज विल बी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स प्लस ए वाई, सो आंसर विल बी 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई प्लस ऑफ बी का होल स्क्वायर। आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हो, आपको लगे तो ऐसा आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, तो इसमें कोई घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। ये मैंने इसलिए कराया क्योंकि मैंने आपको पहली बार होमवर्क दिया है, होमवर्क देता नहीं हूँ मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ सारे क्वेश्चन मैं आपको आपके सामने ही करा दूँ। क्लियर? तो ये दो क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसलिए मुझे डिस्कस करना पड़ा। तो आप भी ट्राई करें, खुद करें। सो इक्वेशन जो हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड की, टोटल चार हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिस जो जो कि हम बात कर रहे हैं थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म की। सो इक्वेशन इन विच जेड इज द एब्सेंट, हमने पहले बताया था कि
जो इक्वेशन थर्ड है उसमें आपके पास फंक्शन ऑफ पी क्यू एक्स वाई, जेड बिल्कुल नहीं होगा, है ना, जेड एबसेंट होगा। अगर जेड क्वेश्चन में आता भी है तो उसको हम एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे पी क्यू एक्स वाई की। क्लियर? तो चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि हमें जो ऐसी इक्वेशन बनानी है पी और एक्स सेपरेट करेंगे एक तरफ और क्यू और वाई सेपरेट करेंगे एक तरफ। क्यों? बिकॉज पी इज द फंक्शन ऑफ पी, आपके पास क्या था, स्मॉल पी की जो वैल्यू है वो डेल जेड ओवर ऑफ डेल एक्स होती है ना, डेल जेड ओवर ऑफ डेल एक्स, इसलिए पी और एक्स वाले टर्म जो है एक तरफ रखना होगा और क्यू और वाई वाले जो टर्म है उनको आपको एक तरफ रखना होगा। ये थोड़ा ध्यान रखना है ना, तभी आप कर पाएंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड को। तो इन दिस फॉर्म द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इज गिवन बाय फंक्शन ऑफ एक्स पी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई क्यू। ये काम थोड़ा सा आपको इसमें करना होगा। इन ऑर्डर टू फाइंड, मैं इसलिए आपके साथ साथ करता जा रहा हूँ इस पूरे स्टैंडर्ड फॉर्म को। इन ऑर्डर टू फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल, द कंप्लीट, बहुत अच्छी यूनिट है ये, कंप्लीट इंटीग्रल, ठीक है, लेट ईच साइड, यहां थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बोलने जा रहा हूं मैं। ईच साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, यहां पर आपको क्या करना है कि जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको आपको एक आर्बिट्री कांस्टेंट के हिसाब से सॉल्व करना है, मतलब पुट करना है, जैसे जैसे कि फंक्शन ऑफ पी क्यू पी एक्स है तो उसको एक आर्बिट्री कांस्टेंट के बराबर पुट करना है, जो फंक्शन ऑफ वाई क्यू है उसको एक दूसरे, मतलब दोनों सेम आर्बिट्री कांस्टेंट होने चाहिए, दोनों को आर्बिट्री कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेटेड टू, मैं यहां लिख दे रहा हूं, इक्वेटेड टू आर्बिट्री कांस्टेंट, कोई कोई भी ले सकते हो आप आर्बिट्री कांस्टेंट स्मॉल ए, ठीक ठीक है, हमने ए ले लिया, ठीक, वेयर ए इज द आर्बिट्री कांस्टेंट। क्लियर? सो फंक्शन ऑफ एक्स और पी को आपको स्मॉल ए के बराबर रखना है, और जो राइट हैंड साइड है वो भी आपके इक्वल टू ए के बराबर होना चाहिए, ध्यान रखना है, दोनों को इक्वल टू आपको लेना होगा एक आर्बिट्री कांस्टेंट के बराबर। हमने ए लिया है तो आप बी भी ले सकते हो, जो देखो नॉमिनेशन है उसमें, नॉमिनेशन में ये नहीं होता कि कौन क्या ले रहा है, सबसे आंसर बराबर ही आते हैं। अब इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, सॉल्विंग इक्वेशन टू वी गेट, अब आपको सॉल्व करना है, तो यहां पर जो आप सॉल्व करके लेके आएंगे फंक्शन ऑफ एक्स पी, ये जो वैल्यू आएगी पी की वैल्यू ये आएगी इन टर्म्स ऑफ, बताइए क्या क्या है, देखिए पी एक्स और ए तीन ही तो वैल्यू है आपके पास, जो पी की वैल्यू आएगी एक्स और ए में आएगी, है ना, तो ये चीज ध्यान रखनी है, इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड ए, बहुत आसान है, और जो क्यू की वैल्यू आएगी वो आएगी इन टर्म्स ऑफ वाई एंड ए के बराबर। क्लियर? ये दोनों वैल्यू आप इक्वल पुट कर रहे हो ना। नाउ वी नो दैट, आपको मालूम है सॉल्यूशन क्या है, वी नो दैट, पता याद आ रहा होगा आपको, डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। यहाँ पर आप जो वैल्यू है, अगर जैसे आपने जैसे मान लिया, मैंने मान लिया, चलो एक फंक्शन ऑफ एफ वन नाम दे देता हूँ, एफ वन एक्स कॉमा ए ऐसा फंक्शन आएगा कुछ, है ना, और एक नाम दे देता हूँ मैं एफ टू, ये आएगा वाई कॉमा बी आएगा, चलो ऐसे ले लेते हैं, तो डी जेड की वैल्यू जो होगी एफ वन एक्स कॉमा ए आएगी, ठीक है, इंटू डी एक्स, और यहाँ कुछ नाम दे दिया मैंने अपने हिसाब से ताकि आप ना कंफ्यूज ना हो, इनटू डी वाई ऑन इंटीग्रेट, बस बोथ साइड, क्लियर, तो आप
क्या निकलेगा आपके पास? फोर्थ साइड, ठीक। इंटीग्रल ऑफ डी जेड इज इक्वल टू, अच्छा डी जेड का इंटीग्रल तो आप कर ही सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ है ना, क्योंकि उसका तो पता ही है आपको, तो जेड लिख देता हूँ, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ f1 x कॉमा a इंटू dx, इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पर आप हटा देता हूँ मैं, क्यों 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 वैल्यू तो मैं रख चुका हूँ, तो f2 y कॉमा a इंटू dy प्लस एक कांस्टेंट ले लो भाई, a के बाद b ले सकते हो, ये क्या होगा विच इज कंप्लीट इंटीग्रल, विच इज कंप्लीट इंटीग्रल, या कंप्लीट सॉल्यूशन लिख दो है ना, कंप्लीट इंटीग्रल। तो ये ऐसे आप उसको ना सिंप्लीफाई करना है एग्जाम में। तो पहला हमारा काम क्या होगा कि हमें जो सेपरेटेड फॉर्म है पी और एक्स एक तरफ करना है और क्यू और वाई को एक तरफ करना है, दोनों को आर्बिट्री कांस्टेंट के बराबर लेके आना है। उसके बाद सीधा जो आप जानते हो डिफरेंशियल इक्वेशन में डी जेड इजिकल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज द सॉल्यूशन है ना, तो ऐसे करके आपको कंप्लीट करना है। अब हम बात करेंगे थोड़े से क्वेश्चंस की, क्योंकि बिना क्वेश्चन दिए आप समझ नहीं पाएंगे इसको, तो एक क्वेश्चन लेते हैं सबसे आसान लेंगे, फिर एक सबसे कॉम्प्लिकेट लेंगे, क्योंकि तो अपने हमारा शुरू से रूल है, पहले उसको समझेंगे रूल्स को, तो सिंपल क्वेश्चन से समझ लेते हैं है ना, और फिर उसको टफ क्वेश्चन से अपन इसको आगे बढ़ाएंगे। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, सबसे आसान सा लेते हैं, आसान नहीं है वो मेरे हमारे हिसाब से और आपके लैंग्वेज के हिसाब से आसान है, लेकिन वो क्वेश्चन भी एग्जाम में 2-3 बार आपसे पूछ लिया गया है ना, और जो आप क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं आपके सामने, और वो थोड़ा सा इजी है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है कि सर बहुत इजी आपने ले लिया, नहीं सॉल्व। सबसे अच्छी चीज तो है मैथमेटिक्स, सबसे अच्छी लैंग्वेज रहती है सॉल्व, और उसमें आप समझते रहो कि है क्या। तो पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ये भी बहुत बार आ चुका है एग्जाम में है ना, तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे तो पहले हमने पहले देखा कि यार यार पी क्यू एक्स, हमारे पास चार स्टैंडर्ड फॉर्म दिमाग में चलेंगे, कौन से में सेट हो रहा है, पी क्यू है नहीं, पी क्यू जेड है ही नहीं, पी क्यू एक्स वाई हाँ है तो थर्ड में है, थर्ड क्या कहता है, थर्ड ये कहता है कि पी और एक्स एक तरफ लेके आना है और पी और क्यू वाई एक तरफ लेके आना है, तो पहले मैं ट्राई करता हूँ है ना। तो ये भाई क्या द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, भाई लिखना पड़ेगा उस फॉर्मेट में है ना, तो पी स्क्वायर माइनस एक्स को एक तरफ ले जाता हूं मैं और इसको क्या कर दूं भाई उधर ले जाऊं, तो माइनस वाई माइनस वो प्लस हो जाएगा, तो ये इसको और थोड़ा सा अच्छा ले सकता हूं मैं, क्यू स्क्वायर माइनस वाई, ये है आपकी इक्वेशन, तो विच इज इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। अब ये आपको दिखाई दे रही होगी सर ये तो थर्ड फॉर्म बन गई, पी और एक्स एक तरफ ले गया था मैं और क्यू और वाई एक तरफ ले गया था, क्लियर नाउ, क्लियर, लेट अस फाइंड फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल, कंप्लीट इंटीग्रल वी इक्वेटेड टू स्मॉल ए ऑफ इक्वेशन फर्स्ट दैट इज पी स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू ए और क्यू स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू ए। अब यहां से आप निकाल सकते हो आसानी से, कैसे निकालना है आपको वैल्यू बतानी है स्मॉल पी की और स्मॉल क्यू की, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं, अभी सॉल्व नहीं किया मैंने, अभी आगे बढ़ रहा हूं मैं सॉल्विंग, अब दोनों को सॉल्व करना है देखना आराम से करना, सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड सॉल्व करो भाई,
पी स्क्वायर माइनस एक्स को मैंने आपसे बोला था कि ए लिख लेना, लिख लिया आपने, तो पहले इसको सॉल्व करता हूं मैं, ए प्लस एक्स। तो यहां पर आप देख सकते हो कि प्लस माइनस अंडर रूट एक्स प्लस ए आ गया इन टर्म्स ऑफ एक्स प्लस ए। दूसरी इक्वेशन क्या थी, क्यू स्क्वायर माइनस वाई इजिकल टू ए, तो क्यू स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस वाई, देख लो सही है तो नहीं, गलत हो बताना है ना। सो क्यू की वैल्यू जो है आपकी अंडर रूट ए प्लस वाई या वाई प्लस ए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगेन वी नो दैट, अगर आपको कहीं लग रहा हो तो आप बिल्कुल आराम से पूछ सकते हो, है ना। जैसे पी स्क्वायर माइनस एक्स एक्स को हमने ए इक्वल किया, तो पी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस एक्स, तो पी इजिकल टू एक्स प्लस ए, प्लस माइनस ये भी लिख लिया प्लस माइनस, ठीक है। वी नो दैट, ऐसे हमने क्यू की वैल्यू भी निकाली, क्यू स्क्वायर माइनस वाई इजिकल टू ए, तो क्यू स्क्वायर विल ए इधर आ जाएगा प्लस वाई, तो क्यू की वैल्यू। वी नो दैट डी जेड ओवर ऑफ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, तो डी जेड इज इक्वल टू व्हाट इज द पी, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स प्लस अंडर रूट ए, प्लस माइनस मैंने लिखा नहीं है, अंडरस्टूड है, तो वाई प्लस ए इंटू डी वाई ऑन इंटीग्रेट। अब आपको ना इंटीग्रल आना चाहिए, इंटीग्रेट बोथ साइड इंटीग्रल ऑफ डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट ऑफ वाई प्लस ए इंटू डी वाई। अब इंटीग्रल भाई आना चाहिए, मैंने पहले बोल दिया था कि अगर इंटीग्रल नहीं आएगा तो मतलब नहीं है। एक्स प्लस ए को टी ले लो भैया, ले लिया सर, और यहाँ क्या लिखूंगा मैं, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया, तो यहाँ पर डी जेड का इंटीग्रल कितना होगा, जेड हो जाएगा सर, और यहाँ कितना होगा, एक्स प्लस ए को टी लिया है मैंने, तो टी की पावर ऑफ 1/2 हो जाएगा, और डी एक्स की वैल्यू डी टी हो जाएगी। ऐसे ना वाई प्लस ए को भी कुछ ले लो, टी ले लो या यू ले लो, टी ले दे चुके हो तो यू ले सकते हैं इसको, यू, तो डी वाई इज इक्वल टू डी यू, तो इंटीग्रल ऑफ यू की पावर ऑफ 1/2 इंटू डी यू प्लस एक कॉन्स्टेंट ले लो, ए के बाद बी ले लो, तो जेड इज इक्वल टू टी टू पावर ऑफ 1/2 प्लस 1, इंटीग्रल आपको आता ही है, इंटीग्रल तो बहुत अच्छी तरह आता है आपको, यू की पावर ऑफ 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस बी, तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 2 बन जा 2, 2 प्लस 1 3, 3/2, तो उल्टा जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, और टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, और यहाँ पर भी 2/3 हो जाएगी, और यू की वैल्यू 3/2 प्लस बी, यू और टी तो आपको मालूम ही है, तो रख दो भैया, क्या आ जाएगा, एक्स प्लस ए पावर ऑफ 3/2 प्लस 2/3 वाई प्लस ए पावर ऑफ, यहाँ ठीक कर लो, 2, 3/2 है ये, है ना, गलत नहीं होना चाहिए, 3/2। तो ये आप देख सकते हो कि ये इसके बराबर आ गया, ए और बी आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे क्योंकि अपने पास टू वेरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको कि टू वेरिएबल है तो हमें दो ही आर्बिट्री कांस्टेंट यूज होंगे। दिस इज द कंप्लीट इंटीग्रल, ये लो लिख देते हैं यहाँ पर आंसर, ठीक है अपन करते हैं, ठीक है। सो विच इज, यहाँ लिख देता हूं मैं, विच इज रिक्वायर्ड, तो मतलब आप देख रहे हो इंटीग्रल आपसे होना चाहिए, कंप्लीट इंटीग्रल आंसर, क्लियर, ऐसे आपको करना है, सावधानी से बिल्कुल, जल्दीबाजी नहीं करनी है। तो सबसे पहला काम क्या हुआ, पी और एक्स को एक तरफ रखना है, क्यू और वाई को एक तरफ रखना है ना, दोनों से हमें पी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स और ए और क्यू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई और ए लेके आनी है, जो हमारा रिजल्ट है डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में हम उसको रख देंगे और इंटीग्रल कर देंगे, तो उससे आपका आंसर निकल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ
सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। आप बोलोगे सर आप तो सबको इम्पोर्टेंट, नहीं मैं कुछ चीजों को ज्यादा बोलता हूँ, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मत जाना, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपके पास एक्स्ट्रा होगा इसमें, है ना। तो सॉल्व मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये करा करूंगा, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है उसको लिख दिया करूंगा सॉल्व, तो आप समझ जाना, ठीक है। जेड स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पे देखो पी क्यू एक्स वाई जेड सब आ गए, अब बताओ, इसलिए तो मैंने बोला इसको कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी चीजें आ गई हैं। अब अपने पास पी क्यू एक्स वाई के लिए क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड है, जेड एक्स्ट्रा है, मैं उसको हटाना चाहूंगा। कैसे हटाऊंगा भाई, जेड स्क्वायर पी स्क्वायर जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड और पी का होल स्क्वायर इसको लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ जेड क्यू का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जेड पी क्या है हमारा, डेल जेड ओपन डेल वाई, डेल जेड ओपन ऑफ डेल एक्स का होल स्क्वायर, पी की वैल्यू रख दी मैंने, जेड इंटू डेल जेड ओवर ऑफ डेल वाई का होल स्क्वायर, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पी स्मॉल पी की वैल्यू डेल जेड ओवर ऑफ डेल एक्स रखी और क्यू की वैल्यू डेल जेड ओवर ऑफ डेल वाई रखी। सो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो एक्स्ट्रापन है वो मुझे खत्म करना है, ये दिख रहे हो, अगर यहाँ पर पी क्यू हो जाता तो मजा आता, लेकिन यहाँ पर जेड डेल जेड है और मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो मैंने मार्क किया है डेल जेड बन जाए, तभी तो आसान हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इजी बनाना चाहता हूँ, कैसे बनाऊंगा मैं, लेट ये इम्पोर्टेंट, इस क्वेश्चन का सबसे टर्निंग पॉइंट यही है कि जेड डेल जेड को मैं एक कुछ एज्यूम कर लू, डेल जेड अगर मैं आपसे बोलूंगा इसका इंटीग्रल करो भाई तो क्या आएगा, कैपिटल जेड की जो वैल्यू होगी वो होगी जेड स्क्वायर बाई टू, ये है टर्निंग पॉइंट इस क्वेश्चन का जो मैंने इम्पोर्टेंट लिखा है। तो ये हो जाएगा डेल जेड ओवर ऑफ डेल स्मॉल एक्स, ये है समझने वाली चीज, डेल जेड ओवर ऑफ डेल स्मॉल वाई। तो आपको दिमाग में खाली एक ही चीज रखनी है कि जहां पर कैपिटल जेड आए स्मॉल जेड आए वहां कैपिटल जेड लिखना है आपको, बस और कुछ भी नहीं लिखना। दिस इज द पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, मैंने नाम बदल दिए, कैपिटल पी और कैपिटल क्यू रख दिए, चलेगा ना, ये हो गए जो इक्वेशन है ना आपकी पी क्यू एक्स वाई, ये अब आई तो विच इज, अब मैं लिख सकता हूँ, यहाँ लिख दूंगा विच इज फंक्शन ऑफ कैपिटल पी कॉमा एक्स और कैपिटल एफ क्यू कॉमा वाई, है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड में आ गया ना। अब आपको दोनों को इक्वेट लाना है, लेकिन अभी आया नहीं है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक लाइन चाहूँ तो मैं हट नहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक तरफ सेपरेट कर लो पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू सेपरेट कर रहा हूं मैं तो, और वाई वाई स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, उसको उधर ले गया वाई स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, अब ठीक है सेपरेटर हो गया, सेपरेटेड कर लिया ना अपने। नाउ टू फाइंड कंप्लीट इंटीग्रल वी इक्वेटेड टू, ये लो इक्वेशन नंबर बदल लो चाहो तो, ये लो ये चलने दो इक्वेशन वी टू फाइंड द कंप्लीट इक्वेशन वी इक्वेटेड टू इक्वेशन टू, इक्वेटेड टू इक्वेशन टू बाय स्मॉल ए। अब बिल्कुल सब स्क्वायर स्क्वायर है तो यहाँ पर एक काम और कर सकते हो आप कि जो स्मॉल ए उसकी जगह हम ए स्क्वायर ले लें, क्योंकि देखो अगर ले ले भी लेते हैं तो अंडर रूट ए आएगा जब अपन इंटीग्रल करेंगे तो, है ना, तो एक स्क्वायर के बराबर कर देते हैं, पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा सा हमने चेंज किया है अपने फायदे के लिए चेंज किया, क्यों, उसका रीजन है जब इंटीग्रल करेंगे तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर हमने फॉर्मूले 12th में पढ़े हैं,
तो वो थोड़ा सा आसान हो जाएगी हैंडल करने के लिए, है ना। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड वी गेट ये पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां से मैं पी की वैल्यू निकालना चाहूंगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल पी है ये, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो कैपिटल पी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया ना। देखो अगर मैं ए लेता एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए का होल स्क्वायर लिखता, लेकिन हो जाता। अब वाई स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर से निकालते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको बहुत सावधानी के साथ, माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। माइनस हटाना चाहूंगा मैं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और यहां से कैपिटल क्यू की जो वैल्यू होगी अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत आसानी से निकालने वाला काम था आपका, तो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। वी नो दैट डी, मैंने यहां पर पहले बोला था जहां स्मॉल जेड होगा मुझे वहां कैपिटल जेड लेना होगा। यहां अब यहां सब कैपिटल हो गए, जेड भी कैपिटल, डी स्मॉल एक्स, क्यू भी कैपिटल, डी वाई और डी जेड। और यहां पर कैपिटल पी की वैल्यू हम पीछे से देखेंगे कितनी है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है इंटू डी एक्स। और इसकी वैल्यू कितनी है, अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी वाई ऑन इंटीग्रेट। इंटीग्रल बहुत बड़ा काम है स्टूडेंट के लिए, है ना। तो इंटीग्रल आप चाहो तो अपने 12th की बुक अपने पास रख लो, एनसीईआरटी की, वहां से पढ़ो, तो उससे क्या क्लियर हो जाएगी। हाँ भाई इंटीग्रल हमें अभी पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, नीड रहती है। तो डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए। अब ए स्क्वायर का तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया, क्यों लिया, सारे स्क्वायर थे तो मैंने स्क्वायर ले लिए। जैसे वहां इंटीग्रल करते थे सारे लॉग होते तो कॉन्स्टेंट भी लॉग लेते थे, याद आ रहा है, ऐसे यहां पर भी है। तो यहां पर हम है जेड कैपिटल यूज कर रहे हैं स्मॉल का, ये गलतियां छोटी होती हैं तो इनको ध्यान रखना आपको। जेड इज इक्वल टू, अब इंटीग्रल आपको आराम से करना है, तो आपको इसका इंटीग्रल सबको याद होगा, है ना। बोलो क्या है फॉर्मूला, मैं यहाँ लिख दूं, ये लो लिख देता हूँ भाई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये वहां पर इंटीग्रल है आप देखोगे ना तो याद आ जाएगा आपको, इंटीग्रल ऑफ एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, मैं लिख दिया इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे, एक्स बाई टू अंडर रूट, ये तो फॉर्मूला था तो यहाँ पर पूरा पूरा वही यूज हो गया, ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा वाला प्लस, इसका वाला फॉर्मूला थोड़ा चेंज आएगा, इसकी जगह माइनस आ जाएगा बस, वाई बाई टू अंडर रूट। अच्छा एक काम भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है वो अगले स्टेप में अपन कर देंगे उसको, माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग, यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो, जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, ज्यादा कोई चेंजेस आएंगे नहीं, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये, प्लस एक कॉन्स्टेंट ले लो सी। अब ये यहाँ पर जेड की वैल्यू और थोड़ी बची है तो आप हटा सकते हो, जेड की वैल्यू तो आपको पता ही है कितनी थी, भूल गए, जेड स्क्वायर बाई टू था, याद आ गया। तो एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू अंडर रूट सॉरी लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई बाई टू अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ वाई माइनस वाई वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये टू भी हटा सकते हो, यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो अगर आपको लगे ये सर ये टू का क्या कर रहे हैं, अरे हटा दो भैया,
इसमें कौन सी दिक्कत है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर इंटू लॉग वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और सी इंटू टू करके एक कॉन्स्टेंट आएगा, उसका हमने एक नाम दे दिया स्मॉल बी, क्योंकि दो ही आर्बिट्री कॉन्स्टेंट रहेंगे, ज्यादा नहीं रह सकते, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अगर आपको मेरा जितना भी पढ़ाया हुआ अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करो, है ना, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, है ना, एक दूसरे को शेयर भी कर सकते हो ताकि भाई दूसरे को बेनिफिट मिल जाएगा, और क्या है ना। अब ये था आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको कराना बहुत जरूरी था, नहीं कराते ना तो आपको दिक्कत आती समझने के लिए। तो ये आपका फाइनली कंप्लीट आंसर, ठीक है, ऐसे करके। अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म और बचा है और उसके बाद हम बात करेंगे इसके जनरल मेथड की, है ना। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म वन पी क्यू रिवाइज करते हैं अभी थोड़ी देर में। स्टैंडर्ड फॉर्म पी क्यू, पी और क्यू के अलावा कुछ नहीं होने वाला है, स्टैंडर्ड फॉर्म वन होगा। पी क्यू जेड स्टैंडर्ड फॉर्म टू होगा। थर्ड हमने आज पढ़ा पी क्यू एक्स वाई, जिसमें हम सेपरेट करेंगे पी और एक्स एक तरफ और क्यू और वाई एक तरफ, दोनों को एक इक्वल टू एक आर्बिट्री कांस्टेंट के बराबर यूज करेंगे, इक्वेटेड टू आर्बिट्री कांस्टेंट, दोनों से हम पी और क्यू को फाइंड आउट करेंगे और उनसे फाइंड आउट करने के बाद जो हमारा एंड सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट इंटीग्रल है, डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स में वहां पुट करके उसको इंटीग्रेट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो ये हमारा फाइनली यहाँ मैं लिख देता हूँ विच इज रिक्वायर्ड, विच इज ये जो आंसर आता है वो कंप्लीट कंप्लीट इंटीग्रल, ठीक है, ये लो। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, अच्छी तरह पढ़ाई करो, बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तुम्हें निकलवा दूंगा, गारंटीज है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।